करेंगे एंड यू विल गेट अ डिस्काउंट। करम का करूं शुक्र कैसे अदा जो करम मुझ पे मेरे खुदा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? आई होप सब ठीक होंगे। तो आज का व्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ सुबह मॉर्निंग टाइम से। और मेरे ऊपर ना हर वक्त एक फेज़ आता है कि जब मुझे एक पर्टिकुलर नाश्ता बहुत मज़े का लगता है एंड आई जस्ट वांट टू हैव दैट। कभी कभी वो पैनकेक्स हो जाते हैं, कभी कबाब ब्रेड हो जाती है, कभी जैम स्लाइस हो जाता है। तो आजकल मेरे ऊपर एवोकाडो टोस्ट का आया हुआ है एंड नोइंग द फैक्ट कि एवोकाडोज आर इट्सेल्फ वेरी रिच इन एवरी न्यूट्रिएंट और दे हैव ऑल द गुड फैट्स, तो वो एक और चीज़ आपको अच्छी लगती है कि अच्छा चलो कोई चीज़ शौक के लिए खा रही हूँ तो साथ साथ वो हेल्दी भी है। एंड जैसा कि मैंने पहले बताया हुआ है, मैं सिर्फ उसके ऊपर लेमन्स डालती हूँ और इसके अलावा हरी मिर्चें। जब से अम्मी आई थी तब से ये देसी घी लेके आई थी और मेरा प्लान था कि मैं इसको भी बॉक्स में डाल के रखूं, बट तब मेरा जो मैंने यहाँ से लोकली लिया हुआ था वो था अभी भी, तो मेरा था कि जब एक दफ़ा ख़त्म होगा तब भी ये पैकेट खोलूंगी। तो आज उसको मैंने ख़त्म करके फेंका है और साथ ही मेरा था कि मैं इसको एक बॉक्स में डाल लेती हूँ। और इतना अच्छा देखते हुए तो उस टाइम पर एक स्मेल होती देसी घी की, बट अभी बनाई वॉज लुकिंग एट इट इन द वीडियो तो मुझे इतना मज़ा आ रहा था। मैं अपने लिए भी पराठों में लगा लेती हूँ अगर कभी पराठा खाऊं, अदरवाइज़ आई ऑलवेज़ यूज़ इट फॉर ज़ैनब, लाइक उसका अगर मैं खाना स्पेसिफिकली बना रही हूँ तो उसमें मैं देसी घी यूज़ करती हूँ। लेटर ऑन मैंने मॉल जाना था, कुछ चीज़ें लेनी थी, और अक्सर रियाद के मॉल में तो आप मेरे साथ गए होंगे बट ये यहाँ का मॉल ऑफ अरेबिया था और मैं यूजली हमेशा बेसमेंट से एंटर होती हूँ, बट दिस इज़ वन ऑफ द वेरी रेयर टाइम जब मैं उसका जो मेन एंट्रेंस है उससे एंटर हुई हूँ। और सबसे पहले मेरा स्टॉप सफोरा पे था और यहीं पे मैंने व्लॉग बनाना शुरू किया था, और इसके बाद मैं इतनी ऑक्यूपाइड हो गई थी विद ज़ैनब एंड एवरीथिंग कि आगे व्लॉग बना ही नहीं। वापस आते हुए सबसे पहले मेरा था कि उस्मान मुझे मटन लेना है बिकॉज़ मटन मेरा ख़त्म हुआ हुआ था। अच्छा, रियाद में आप लोगों को याद होगा जो लोग मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स एंड व्यूअर्स हैं कि वहाँ पे मैं ऑनलाइन ऑर्डर करती थी और वो डिलीवर कर देते थे एंड इट वाज़ अ पाकिस्तानी मटन शॉप, बट यहाँ पे मुझे ऐसी कोई शॉप नहीं मिली। सो लोकल के जो सऊदी मीट वाले मैं उन्हीं से लेती हूँ और उनको बता देती हूँ कि मुझे रान या दस्ती चाहिए तो वो उसी वक्त आज ही मुझे काट देते हैं। बाद में वी स्टॉप्ड ओवर एट दिस रेस्टोरेंट अल जदीद, ये आई थिंक जद्दा में मेरा फेवरेट पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है एंड इट इज़ वन ऑफ द रेस्टोरेंट्स जो कि पाकिस्तानी हैं, देसी कुजीन है हमारी, बट स्टिल इट हैज़ वेरी नाइस एम्बियंस। और ये इन्होंने बिल्कुल अभी स्टार्ट किए हैं, पहले दे यूज़ टू पुट दिस पार्टीशंस बट नाउ देव पुट ऑन कर्टन्स टू गिव एवरी फैमिली ए प्राइवेसी कि वो आराम से सकून से खाएं। ये सऊदीया में बहुत चीज़ है एंड विच आई रियली लाइक। अच्छा, एक और चीज़ पेंडिंग थी जब से मैंने लास्ट टाइम व्लॉग में बताया है कोरियन प्रोडक्ट्स का, तो बहुत से लोगों ने पूछा हुआ था कि आप रिव्यू ज़रूर दिएगा और कहाँ से मंगवाया है। सो एक तो कहाँ से मंगवाया है वो भी मैं बता दूँगी, इनफैक्ट आई विल ऑल्सो गिव माई कोड जो कि आप यूज़ करेंगे एंड यू विल गेट अ डिस्काउंट। उसके अलावा अच्छा, उस दिन लेने में गई हूँ, माई सिस्टर इज़ हियर फ्रॉम पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से हज पे, सो आई गॉट अ गिफ्ट फॉर हर, और साथ जैसे अपने लिए भी लेने का दिल किया सो आई गॉट दिस गिफ्ट। मैंने सेम उसी तरह पैक करवाया फॉर माई सेल्फ एज़ वेल, विक्टोरिया सीक्रेट का परफ्यूम था बॉम्बशेल, मुझे बहुत पसंद है, ऑलरेडी आई हैव द ऊट वाला बट आई रियली लाइक दिस एज वेल। अच्छा, ये मुझे बड़ी प्यारी लगती है, इसमें इसने ना इसको प्रॉपरली नहीं किया, बेसिकली यूज दिस तो ऐसे ये हसल करके बीच में रखती है, गिव दैट पफ इस तरीके से, ये लिया। और इसके अलावा आई गॉट दिस कंसीलर फॉर माई सेल्फ और एक मैंने ये हेयर सीरम लगा लें, हेयर ऑयल लगा लें, यूजली जब हम यूज़ करते हैं ना स्ट्रेटनर के बाद भी कर्ल्स डालें या इवन व्हेन आई यूज़ माय डायसन एयर रैप, तो मुझे बाल एंड से ना बहुत हो जाते थे, व्हाट डू यू कॉल इट, सख्त हो जाते थे या बहुत रफ़ हो जाते थे, सो इससे ना वो चीज़ नहीं होती। अच्छा, कमिंग टू द पॉइंट, अच्छा इस दफ़ा मैं आपको ये भी बता दूंगी कि एक तो जो डबल क्लेंजिंग का लास्ट टाइम जिक्र किया था, कॉन्सेप्ट ये होता है कि फ़र्स्ट आपने एक ऑयल बेस्ड क्लेंजर से फेस वॉश करना है उससे। अच्छा, एक बताती हूँ आपको डबल क्लेंजिंग की आपको ज़रूरत कब होती है, जब मुंह पे आपको लगे बहुत ज़्यादा लाइक ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, इस तरह से, सो डबल क्लेंजिंग इज़ परफेक्ट फॉर दैट। सबसे पहले ऑयल बेस्ड आपने क्लेंजर यूज़ करना है, आपको मुझे 2 वीक्स हुए हैं एंड यू कैन सी द बॉटल
कि मैंने कितनी यूज़ कर ली है. सो आई थिंक दिस इज़ अ गुड टाइम कि मैं आपको रिव्यू दे सकूँ. एंड तो आपने पहले ऑयल बेस्ड यूज़ करना है, उसके बाद होता है फोम बेस्ड. ओके अच्छा, ये दो मैं चीज़ें यूज़ कर रही हूँ और ऑनेस्टली द मोमेंट लाइक मैं पहले ऑयल बेस्ड यूज़ करती हूँ, उससे तो आपके मुंह पर साफ लगता है कि यू स्टिल हैव ऑयल. एंड वंस यू यूज़ द फोम बेस्ड तो इंस्टेंटली यू फील सच अ क्लीनलीनेस ऑन योर स्किन. ऐसे बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे साफ हो गई और हर मिट्टी उतर गई है. उसके बाद आपने उसको टॉवल से ड्राई कर लिया एंड देन यू हैव टू यूज़ अ टोनर. अच्छा टोनर जो कोरियन प्रोडक्ट्स थे उसमें बहुत ऑप्शंस थे, इसके रिव्यूज़ बहुत अच्छे थे एंड इट वाज समवट हेल्पिंग इन द एक्ने एज वेल. तो मैंने इस वजह से आई वेंट फॉर दिस वन. इसके अलावा देयर राइस टोनर्स एज वेल. सो टोनर बेशक आप एक टाइम पे दो या तीन वे लगा लें, दैट्स ओके. बिकॉज मैं आपको ये चीज़ बताती हूँ कि मैं ये चीज़ें खरीदने से पहले ऑलमोस्ट वन एंड अ हाफ मंथ आई जस्ट लाइक डिड माई रिसर्च एंड देन आई बॉट दैट स्टफ. तो मैंने अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंगली सर्च किया था एंड देन आई ऑर्डर दीज थिंग्स. तो मैंने ये वाला टोनर यूज़ करती हूँ कि लाइक इट्स ऑल वाटर. सो आप अपने हाथ में अच्छा खासा डाल के यूज़ इट ऑन माई फेस एंड ऑन माई नेक. डोंट लाइक फॉरगेट योर नेक, मेक श्योर कि आप नेक पे भी अपने करें टोनर. एक तो आपकी बेसिकली इफ एनी इम्प्योरिटीज आर स्टिल लेफ्ट इन योर स्किन ये साफ कर देता है. टोनर पैड्स भी मिलते हैं, आई वेंट फॉर दिस वन फॉर नाउ. तो और एक आपकी स्किन इवन टोन भी करता है. यू सी समटाइम्स आपको डिफरेंट स्किन पे डिफरेंट कलर पैचेस मिलते हैं. अच्छा उसके बाद ये मैं आपको सीक्वेंस से बता रही हूँ. उसके बाद आई यूज़ दिस स्नेल म्यूसिन. बेसिकली जो स्नेल म्यूसिन है इट आपकी स्किन जब ड्राई आपको फील होना इट लाइक मॉइस्चराइज एंड प्लम्प्स योर स्किन और जो मतलब कि उसको हाइड्रेट करता है. एंड इंस्टेंटली यूज़ करने के बाद ना मैं थोड़ा सा फिंगर पे लगाती हूँ. इट्स वेरी वो जैसे से ही आप देखें इट्स लाइक दिस और मैं अपने हाथ पे करूँ ना इंस्टेंटली यू फील एक ग्लो ऑन योर स्किन एंड इट फील्स वेरी नाइस टू रब इट ऑन योर स्किन बिकॉज वो इतना स्मूथली ऐसे रब हो रहा होता है. एंड आपको साथ ही अब लाइक इफ यू सी यू कैन सी अ डिफरेंस. ठीक है तो मैं तो बाकी जैसे फेस पे मलने के बाद ना ऐसे अपने हाथों पे भी मल लेती हूँ हर चीज़ को. अच्छा उसके बाद आफ्टर यूजिंग द म्यूसिन एसेंस जो होता है वो आप अगर इसका लेंगे या किसी भी और ब्रांड का लेते हैं यू नीड टू यूज़ द सीरम्स. मैंने लाइक आई ऑलरेडी सेड दैट मेरी थोड़ी सी एक्ने प्रोन स्किन है तो डार्क स्पॉट ट्रीटमेंट है एंड देन आई यूज़ दिस. और दिन के टाइम आफ्टर दैट आई यूज़ दिस सन ब्लॉक. Otherwise, I don't use sunblock at night. And this is the lip mask. And I like it. I honestly like it. It gives my lips a very hydrating effect. Mujhe like, it's not something ke fauran aapko lage ki aapke lips se dry ho gaya ya utar gaya hai. Wo cheez nahi hoti. So, ab 1 week ke baad agar main ye kahun ki mujhe kaisa lag raha hai, to honestly, I would say like, good job. Main इट्स नॉट जस्ट मी बट मेरी बहनों ने सब ने मुझे से पूछा है कि योर स्किन लुक्स सो गुड. इट लाइक मुझे खुद डिफरेंस फील हो रहा है. हालांकि अपनी स्किन पे आपको खुद ज़्यादा डिफरेंस दो बाद में फील होता है बिकॉज यू सी योर सेल्फ एवरी डे बट आई कैन सी इट एवरी डे एंड मुझे इतनी अच्छी फीलिंग आ रही है बिकॉज आफ्टर एजेस फाइनली आई वॉज एबल टू फाइंड प्रोडक्ट्स जो कि मेरी स्किन को सूट कर रहे हैं और उससे आई फील सो बेटर. सो आई होप आप लोग भी जो आप में से ऑर्डर करें यू फाइंड द परफेक्ट प्रोडक्ट्स फॉर योर स्किन. और इसके अलावा किसी किस्म की कन्फ्यूजन हो फील फ्री टू DM मी ऑन इंस्टाग्राम. मैं अपने इंस्टाग्राम के पेज का लिंक भी नीचे शेयर कर दूँगी. सो दिस वॉज अबाउट माई डे इन फैक्ट अबाउट मैनी डेज. आई होप आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा होगा. प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाया करें एंड सब्सक्राइब भी जरूर करें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.